आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस लेसन नंबर सिक्स ऑफ लेसन नंबर सिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। ठीक, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने पार्ट के थे? दो टाइप्स के, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोट्स, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मीनिंग ऑफ यूकैरियोट्स, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक, यूकैरियोट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, व्हिच आर देम, कौन कौन से थे वो आप बताइए। ठीक है, यूकैरियोट्स के दो पार्ट थे। ठीक, कौन कौन सा था वो? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मीनिंग ऑफ यूनिसेलुलर, ऑर्गेनिज्म अगर सिंगल सेल से बने हो तो उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म अगर इससे दो, अगर मोर देन वन सेल से बने हो तो उसको मल्टीसेलुलर बोलते थे। मल्टीसेलुलर भी कितने टाइप के थे? दो टाइप के। कौन कौन सा था वो? विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। विद सेल में कौन आता था? प्लांट, और विदाउट सेल वॉल में एनिमल। विद सेल अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, विच आर देम, कौन से थे वो आप बताइए। ठीक है, विद सेल में दो चीज था, एक ऑटोट्रॉफ था और एक हेटरोट्रॉफ था। ऑटोट्रॉफ मीन्स प्लांट्स जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते थे, और हेटरोट्रॉफ मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी और पे डिपेंडेंट हो। अब ऑटोट्रॉफ के भी दो थे, कौन कौन से थे वो? फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। क्लियर। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब किस बेस पे प्लांट को क्लासिफाई किया गया। ठीक, हम लोग देखेंगे, सिर्फ बहुत ईजी है, कर लेंगे सब। ठीक, फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ ऑर्गन इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर प्लांट क्लासिफिकेशन। मतलब ऑर्गन के बेसिस पे किया गया था, पहला क्लासिफिकेशन ऑर्गन के बेसिस पे था। पहले क्राइटेरिया में बताया उसने कि अगर ऑर्गन प्रेजेंट है या ऑर्गन एबसेंट है, उसके बेसिस हम लोग प्लांट को फर्स्ट क्राइटेरिया में क्लासिफाई करेंगे। सेकेंड समझाइए फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू इज द सेकेंड क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन। मतलब अगर प्लांट के पास कंडक्टिंग टिश्यू है, कंडक्टिंग टिश्यू मिस होता है, कंडक्टिंग टिश्यू मिस होता है। दो टाइप के प्लांट के पास कंडक्टिंग टिश्यू होता है, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम क्या कंडक्ट करता है? वाटर में, सॉरी, जाइलम क्या कंडक्ट करेगा? वाटर। और फ्लोएम क्या करता है? फूड। क्लियर। ये अगर प्लांट्स के पास अगर जाइलम और फ्लोएम हुआ, अगर एक वर्ड में बोलना चाहे हम कंडक्टिंग टिश्यू बोल सकते हैं। अगर प्लांट के पास कंडक्टिंग टिश्यू हुआ तो वो क्या है? सेकेंड क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन है। समझाइए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फ्लावर, फ्लावर का प्रेजेंट होना, फ्रूट का प्रेजेंट होना और सीड का प्रेजेंट होना, ये सब क्या है? थर्ड क्राइटेरिया थी एनिमल, सॉरी प्लांट क्लासिफिकेशन की। ठीक, ये देखो, द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर एंड सीड्स आर क्लासिफाइड एज क्रिप्टोगैम और फैनेरोगैम। प्लांट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है क्रिप्टोगैम, दूसरा है फैनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स और फैनेरोगैम डिटेल में स्टडी करेंगे, इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्रिप्टोगैम्स। क्लियर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सीड्स आर इंक्लोज विद इन अ फ्रूट और नॉट फैनर और नॉट, दे आर क्लासिफाइड एज फैनेरोगैम्स। एंड फैनेरोगैम्स इज अगेन टू टाइप नोन एज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक, इसके बारे में हम लोग देखो, मतलब कि जब सीड्स प्रेजेंट है, ठीक, किसी किसी में क्या होता है, सीड अंदर प्रेजेंट होती है, किसी किसी का सीड क्या होता है, आउटसाइड प्रेजेंट होता है। जैसे कि बोलूं मैं, आम देखा होगा आप सबने, मैंगो, मैंगो के अंदर सीड अंदर होती है, इनक्लोज होती है, तो इनसाइड सीड है तो उसको एंजियोस्पर्म बोलेंगे। बट अगर वही सीड बाहर है, जैसे कि साइकस, साइकस आपने अगर नहीं सुना है तो आप बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए कोकोनट। कोकोनट का हम लोग बाहर का चीज को फेंक देते हैं बिकॉज दे आर सीड। क्लियर। और उसके अंदर का क्या चीज है? हम लोग मतलब वाटर ड्रिंक कर जाते हैं। क्लियर, समझाइए, कोई डाउट? डाउट है तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अब हम लोग को देखना है प्लांट्स के टाइप। तो किंगडम प्लांटी is divided into two parts. Clear? How many parts? Two parts. First is cryptogams. Second is phanerogams. Phanerogams. Meaning क्या होता है cryptogams का? Cryptogams का मतलब होता है ऐसे plants जिनकी reproductive system क्या होते हैं? Hidden होते हैं। ये plant बहुत evolved नहीं होते, ये प्लांट एशियन टाइम पे पाए जाते थे, इसके लिए हम लोग इसको क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। क्लियर। और जो हुआ
फेनेरोगैम्स, फेनेरोग्राम्स हाई वॉल्ड प्लांट है, ठीक है, ये आज के टाइम पे पाए जाने वाले प्लांट्स है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेनेरोगैम्स। इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सपोज होता है, हिडन नहीं होता। हिडन किस में होगा? क्रिप्टोगैम में, एक्सपोज किस में होगा? फेनेरोगैम में। दे आर लीफ सपोर्टिंग प्लांट, दे आर मोर इवॉल्व्ड प्लांट, क्लियर, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स के तीन टाइप्स है, कितने टाइप है? तीन टाइप। फर्स्ट इज थाइलोफाइटा, सेकेंड इज ब्रायोफाइटा, थर्ड इज टेड्रियोफाइट, टेड्रियोफाइटा। उसी तरह फेनेरोगैम्स के भी दो पार्ट हैं। पहला पार्ट कौन सा है? जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और दूसरा पार्ट एंजियोस्पर्म, कौन सा? एंजियोस्पर्म। कहीं कहीं एंजियोस्पर्म ही लिखा रहता है, वो भी सेम है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या होता है? एंजियोस्पर्म के दो टाइप है, एक है मोनोकॉट, ये तो मोनोकॉटलीडॉन बोल सकते हो आप, और दूसरा है डाइकॉट, ठीक। अब मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले प्लांट जो आए थे ना, वो थे थाइलोफाइट्स। थाइलोफाइट्स इज द फर्स्ट प्लांट। दूसरी बात, थाइलोफाइट के बाद कौन आया? ब्रायोफाइट आया, उसके बाद टेड्रियोफाइट आया, फिर जिम्नोस्पर्म आया, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट कौन सा है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में दो तरीके के प्लांट पाए गए थे, एक था मोनोकॉट और दूसरा था डाइकॉट, क्लियर। इसमें कोई डाउट? इसके बारे में अब हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। पहला है जो कि थाइलोफाइटा, नेक्स्ट वीडियो हम लोग थाइलोफाइटा की स्टडी करेंगे। ओके, थैंक्स।